बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादोबाद रखे, हर आने वाले दुख तकलीफ तो निजात दे। इससे दुआ ना आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी जल्द करते हैं, जिसमें मेरे बहन संबंधिता फैमिली ब्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बैल का बटन प्रेस करो ताकि साड़ी आने वाली हर वीडियो तेरे को टाइम तक पहुँच सके। अज की वीडियो कुछ इस तरह वा, भाज जी मेरे वे भाई तो जबैर दोनों आए हैं, मेरी भैन का पता करना रोजाना था, हूँ घर पहुँच चुके। उन्होंने वास्ते मैं बना रही हूँ जी चाय, चाय बना रही हूँ, अपने भैन भाई शेयर कर दी हूँ। नाले अज का जो भी सीन होएगा लाजमी शेयर करा, क्यों मैं थकावट बहुत ज़्यादा हो गई सी। थकावट की वजह तो मैं हल्का जहा बुखार हो गया, मैं तो घर का कोई काम भी नहीं किया। तो हूँ भाजी ने आए तो फिर मैं चाय उठ के बना रही हूँ खुद। तो बाजी मतलब हांडी बनाएगी या बाजी बनाएगी या मैं बनाऊँगी, देखते कौन बना। जो भी अज का सीन होएगा अपने भैन भैया लाजमी शेयर करा, क्योंकि उन्होंने रिश्ते वगैरह भी जाना, उन्होंने रिश्ते वास्ते भी खाना तैयार करके देना। और मैं चाय मैं जी तैयार कर ली है, चाय हाल मेरे पक रही है थोड़ी नहीं, और पकेगी मजीद। बुजुर्ग नैन तकिया देन जा रहे अपने मामू नू, बाहर मैं बर्तन रखे है, चूल्हा रखे वा साफ करने वास्ते। उत्थे मैं कहा बूटे की छां बैठ के मैं तो उत्थे बर्तन धोनी हाँ, तो बर्तन मैं बाहर रखे ने धोन वास्ते। जरूर कहना अपने मामू तक कह देन गया वा आ वाली इतों आ जरा मतलब भी है नाली वगैरह इतों खराब हो गई किचन की, तो पानी सारा अंदर आ रहा, इस करके फिर मैं बर्तन इतने नहीं धोवगी बाहर धोवगी। चाय मेरी माशाल्लाह उबल रही है, हूँ मैं चाय उन्होंने देव और दूध, दूध भी माशाल्लाह मेरा गर्म हो चुका है, उबल रहा दूध भी, दूध भी उबल रहा बिल्कुल। दूध भी मैं गर्म करता, चूल्हा बंद कर दिनी, ये उपर मैं दिनी छाबी प्लास्टिक की जाली का वह है नहीं गा मेरे को, लोहे की जाली जी उपर दी है वो है नहीं मेरे को, फिलहाल मैं प्लास्टिक की छाबी दे दी उपर, प्लास्टिक की छाबी देती है ताकि हवाड़ वगैरह निकलेगी, जो मतलब ये गरमैश वगैरह चली जाएगी, फिर इत मलाई आ जाएगी, फिर मैं इन्होंने उतार के ठंडा फ्रिज रख देंगे। और चूल्हा दिन चो बंद कर दी है, चाय तैयार होगी, चाय में कप्पा च पा दें भाजी और बाजी जबैर अंदर बैठ के कमरे गला कर रहे हैं, मैं नाल नाल चाय बना ली, चाय जाके दिनी उन्होंने चाय पीने जो फिर कोई गाजता। और छोटे कप भी चाय पा लेने, क्यों बाजी कह रही सी मैं चाय बहुत कम लेनी है, मैं कहा चलो ठीक हो गया, उन्होंने चाय कम पीनी है इस करके फिर छोटे मोटे भी चाय पा के दूंगी। निश्तर आना जाना काफ़ी दूर का सफ़र वा, तो आने जाने के बच्चे मैं थकावट के नाल तबीयत खराब हो गई, मैं फिर शायद अज ना जावा, जावगी तो पता नहीं, कोई पता नहीं, मेरी कोशिश थे कि मैं ना जावा। बाजी और भाजी जबैर जैन के पापा चले जाएंगे जी बेटे, क्या हुआ मेरे बेटे को, तकिया दे आया मामू को, तकिया दे आया मामू को, तकिया दे आया। लो जी चाय मैं वगैरह तैयार कर ली है, और ना जी केक है और चाय है। जुल्कर नैन आ गया, चाय मैं बना के ले आई है, जरूर कहने उन्हें पता चल गया वा कि मेहमाना वास्ते चाय है, केक चक के भज गया। लो भाई चाय। बाजी ने थोड़ी लैनी सी, बाजी नाल नाल जरा सब्जी बना रही है। लो मैं तो सब्जी नाल नाल तेरे तैयार कर दूं। हां मेहरबानी, तू नहीं हांडी बनाऊंगी मैं बनावा, तू नहीं बनाऊंगी मैं बनावा, अपने हाथ नाल पका खवा गोश्त ते दूसरी। चल चल मैं गोश्त खाना तो नहीं, बस जो गोभी थोड़ी लेके खा ला। हां गोश्त बकरा बनाना सीगा, ते बाजी ये सारे कह रहे हैं कि वखरा ना बनाओ, बस एक ही हांडी बना लो मिक्स करके आलू गोश्त ते गोभी। मैं चलो ठीक है, मैं बड़े देख के नैन लगी हुई है कि मैनू ही डिप करके दो चाय दे विच। चाचू बुलाल तेरा लबाटरी गया माशाल्लाह, हाँ तबीयत कुछ बेहतर आ, ओदी इन्नी बेहतर तो नहीं, बस गुजारा ही है बेचारे का, अल्लाह मियां नूं सेहत दे तंदुरुस्ती दे, पता नहीं की गल साढ़े घर तो पेंदी परेशानी आती है।
अपने प्यार गल ठीक है सारी परेशानियां मेनू ही सारा जोर मेरे ते चढ़ जांदा वा हां ये ते है सही गल मेरा भरा भी कुछ बोलू कि नहीं बोलेगा अजी कहिंदा मैनूं गल्लां नहीं आंदियां हस के वक्त टा रहा मैं तुसी कुछ खो के कहिंदे नहीं मैनूं गल्लां नहीं आंदियां ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਖਾ ਆਨ ਕਰ ਦਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਘਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਰ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅਦਰ ਪੜਦੇ ਰੋਟੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਚਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਚ ਪੱਤੀ ਲਗਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ ਮੰਮੀ ਆਦੀ ਦਾ ਚਾਹ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੱਗ ਬੁੱਕ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਆ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੇ ਕੱਪ ਚ ਅਗਰ ਪਾਓ ਤਾਂ 2 ਕੱਪ ਆ 2 ਕੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ अच्छा चलो कोई नहीं खैर होर लेवा केक ना बस ये बोल चलो ठीक है सही हल्का फुल्का नाश्ता कराता ना फिर हां जी खाना तैयार कर दे हां जी फिर खाना तैयार कर दे ना वास्ते सही गल हां जी जरूर नान बैठ गया बराबर इनना ते चढ़ के हां जी काम शाम हो गया फाइनल बस कोई आवा अच्छा आ ही रहे हले किचन में पाजना चाय वगैरह दी थी ए उस तो बाद बर्तन वगैरह तो मैं किचन में बर्तन तो ना चमचियां बाकी तो फिर खाना शाम तो बाद ही चलता है हां दुनियादारी ते काम खत्म ही नहीं होता जिन्ने मर्जी करी जाओ हां जी सारा दिन बंदा लगा रहंदा वा काम ही नहीं खत्म होंदे सही है मैं का पहले किचन दा कर लवां बाद में अगला मतलब ये और भी काम कर दी है ते तुम पता मैं किचन दा पहले निपट लवां फिर सारे काम निपट जांगे किचन दा ब्याह होवे ते फिर कुछ भी नहीं दारू के रमाल भी धोन वाले है ए भी धोने आज जरा अल्लाह खैर करेगा यहाँ ने हरा हाल तो ना ए पानी वाली यहाँ पर निकाली ना सी ए पानी वाली पार के रखना है अंदर ए चम्मच बाहर मैं निकाले सी मैं कहना है ना डब्बे अच रख दिए हैं नमक मिर्च वाले अच फिर कुछ डब्बे अच है वह कुछ किसे च नहीं ते जो च नहीं फिर मैं इसमें रखूंगी ते वो जी काम शाम के साढ़े मुद्दे रहने हैं खिलाड़े के जो है तो बस कहते जिन्हें चिका बंदे जिंदगी है उन्हें चिका दुनियादारी के झेड़े तो चलते रहते हैं तो चाहवागे अपने भैन भैया को इजाजत अगर मेरी भैन भाई ने यह वाली वीडियो साड़ी अच्छी लगी पसंद आवे लाइक करे शेयर करे कमेंट में सामने जरूर दस्यो सामने इजाजत अल्लाह हाफिज़।